अश्विनी ग्रोवर माधुरी जैन को देनी होगी 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। भारत पे के को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका की यात्रा करने के लिए 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस सिक्योरिटी को संपत्ति के माध्यम से किया जाना चाहिए। अश्विनी ग्रोवर के पास यूएई का गोल्डन वीजा है, उन्हें इसे जमा करने के लिए कहा गया है ताकि वह यूएई का दौरा ना कर सके। अश्विनी ग्रोवर और उनकी पत्नी को बच्चों के समर स्कूल के लिए अलग अलग अमेरिका जाने की कोर्ट ने अनुमति दी है। कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसके लिए शर्तें तैयार करने के लिए कहा था। अमेरिका की यात्रा के दौरान अश्विनी और उनकी पत्नी को अमेरिका में कहां रुकना है, उस होटल का नाम, ट्रैवल, फोन नंबर आदि की जानकारी कोर्ट और जांच एजेंसी को देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत पे के शेयर जो उनके पास हैं उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को अधिकार नहीं दे। अश्विनी ग्रोवर 26 मई को अमेरिका जाएंगे और 14 जून को वापस लौटेंगे, जबकि उनकी पत्नी 15 जून को अमेरिका जाएंगी और 1 जुलाई को वापस आएंगी। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने दोनों की अमेरिका यात्रा पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि उनकी विदेश में संपत्ति है और ये भाग सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि दोनों पर फिनटेक कंपनी के साथ 81 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। बता दें कि अश्विनी ग्रोवर लोकप्रिय टीवी शो स्टार टैंक पर नजर आ चुके हैं। वह इस शो के पहले सीजन में बतौर जज नजर आए थे। जिस बेबाक अंदाज में वो बोलते थे उसकी वजह से उन्हें शो में काफी लोकप्रियता मिली थी। हालांकि बाद में बाकी के सीजन में वो नजर नहीं आए। अश्विनी ने कहा था कि पहले सीजन को सफलता उनकी वजह से मिली थी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।